आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। assertion reason type question है हमारे पास। question में बोला गया है assertion is stemming modified Greek central dogma to central dogma reverse and assertion यहाँ पे correct है। stemming एक scientist थे, stemming and Baltimore actually इनके साथ एक और scientist ने भी research करी थी। इन दोनों ने अपनी thesis दी थी and इन्होंने बताया था about central dogma reverse के बारे में। central dogma reverse, सबसे पहली चीज़ सेंट्रल डोगमा रिवर्स के लिए हमें सेंट्रल डोगमा पता होना चाहिए क्या होना क्या होता है। तो सेंट्रल डोगमा दिया था बाय फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट ने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ये। इन्होंने बोला था कि जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो डीएनए पे प्रेजेंट होती है ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है आरएनए पे, ये इन्फॉर्मेशन आरएनए से फिर फर्दर ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू प्रोटीन्स। एंड ये होता कैसे है, जब डीएनए से आरएनए में सारी ट्रांसफर होती है तो ये होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस जिसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन में जब होती है तो जिस प्रोसेस के थ्रू होती है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा था कि ये जो मूवमेंट होता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन्स ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब कि आरएनए से कभी डीएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन से कभी आरएनए नहीं बनेगा, हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन्स बनता है, ये बताया था फ्रांसिस क्रिक ने। फर्दर मोर जब टेमिन एंड बाल्टीमोर ने अपनी रिसर्च जो किया तो उन्हें पता चला कि वायरसेस के अंदर जिनका जेनेटिक मटीरियल होता है आरएनए, ये इस आरएनए से सबसे पहले बनाते हैं डीएनए, इसको सीडीएनए भी बोला जाता है, सीडीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड देन इस डीएनए से बनता है आरएनए बाय सेम ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन से आगे प्रोटीन्स बनते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो आरएनए से डीएनए बनता है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी यहाँ पे उल्टा जा रहा है प्रोसेस। डीएनए से आरएनए बनना चाहिए बट आरएनए से डीएनए बनता है, तो इसकी डिस्कवरी करी थी इन साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने सेंट्रल डोगमा को चेंज कर दिया था सेंट्रल डोगमा रिवर्स में, तो इसलिए असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट रीजन बताया गया कि क्रिक वॉज ऑफ द व्यू दैट फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सेल इज बाई डायरेक्शन, तो ये इनकरेक्ट है, बाय की जगह यहाँ पे यू नहीं आना है। उन्हें बिलीव था कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रैवल करती है यूनिडायरेक्शनल वे में, इसलिए यहाँ पे रीजन इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।